युवा कांग्रेस द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर दिया गया। दरअसल यह आंतरिक रूप से कांग्रेस की कलह मानी जा रही है। उज्जैन में आज पुलिस कंट्रोल रूम पर युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हेमंत सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में घटिया कस्बे के रहवासी घेराव करने के लिए पहुंचे। लोगों की मांग पान बिहार पुलिस चौकी के प्रभारी को हटाने को लेकर है। रहवासियों का आरोप है कि प्रभारी राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा क्षेत्र में अवैध कारोबार चलाए जा रहे हैं और वसूली का काम भी किया जा रहा है। जब क्षेत्र के लोग विरोध करते हैं तो प्रभारी द्वारा रूपये देकर पोस्टिंग करवाए जाने की बात भी की जाती है। प्रभारी की हरकत से क्षेत्र के लोगों के साथ पार्टी के लोग भी नाराज हैं, क्योंकि क्षेत्र में अवैध कारोबार चलवाकर पार्टी और सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। आज बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रभारी को हटाने के लिए कंट्रोल रूम पर ज्ञापन दिया। थाना के पानबिहार चौकी के प्रभारी हैं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा हैं। जब से इनके थाने पे पोस्टिंग हुई है, निरंतर वहाँ पे जुआ सट्टा ब्याजखोरों का आतंक और तमाम सारे गाँव के लोग परेशान हैं अवैध वसूली को लेकर। और जब गाँव के लोग इनके पास शिकायत लेके जाते हैं तो अनाप शनाप गाली बकने का काम ये करते हैं। ग्रामीण जन इनकी कार्यशैली से बड़े परेशान हैं और गांव वालों को आए दिन ये कहते हैं कि ये पैसा देके मैंने पोस्टिंग ली है यहाँ पे। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है यहाँ पे कि इन सब बातों की जाँच करी जाए और कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयान देकर कांग्रेस की छवि धूमिल करने का काम भी ये ऐसा ही कर रहे हैं।